नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। एक तरफ देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, जहां पूरी दुनिया यानी कि ये समझा जाए पूरा हिंदुस्तान आजादी के जश्न में सराबोर है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनेता अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जहां पर उन्हें शूरवीरों की तमाम दिग्गजों की जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया है उन योद्धाओं को याद करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं जहां पर वो सत्ता पक्ष या विपक्ष पर निशाना साधने से बाज नहीं आते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जहां एक तरफ अपनी ही पार्टी के नेता पर वो इस तरीके से कटाक्ष करते हैं कि मानो अपनी ही सत्ता पर काबिज नेताओं से उन्हें चिढ़ हो गई हो। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, कई बार उन नेता को वो अपने आड़े हाथों ले चुके हैं। अब आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति की या किस नेता की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, जहां पर आजादी के जश्न में जब उन्हें योद्धाओं के बारे में कुछ शब्द कहने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस कदर तीखे वार कर रहे हैं मानो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज से मिर्ची लग रही हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना नाम लेते हुए, सचिन पायलट का बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम जिस तरीके से उनके द्वारा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। मुझे राजनीति ना सिखाई जाए, मुझे ये ना सिखाया जाए कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किस तरीके से किया जाता है, बल्कि जब तुम खुद उस पद पर काबिज होके उनका मान सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें वो पद नहीं दिला सकते, तो फिर किस बात की राजनीति। तो देखिए, ये तीखे वार उन्होंने किए हैं। हालांकि अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो वो भी सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए पीछे नहीं रहते। अगर कल की बात की जाए तो कल के एक ट्वीट से, जहां पर उन्होंने पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया था और किस तरीके से खाना पूर्ति जैसी बात कहकर सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लिया था, उन्होंने जिस तरीके से एक 9 साल के बच्चे की मौत हुई थी जब शिक्षक के द्वारा उसे पीटा गया था, एक ट्वीट के खिलाफ ही उन्होंने अपनी सरकार पर, अपनी सत्ता पर, कांग्रेस की सत्ता पर निशाना साध दिया था। हालांकि अगर सीएम गहलोत की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट पर उनका पहला निशाना नहीं था, वो पहले भी कई बार उन पर एक के बाद एक तीखे हमले कर चुके हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपस में अगर इतनी तकरार है तो विपक्ष तो इसका फायदा जमकर उठाएगा। वहीं जब अपने अभिभाषण में गहलोत ने बिना सचिन पायलट के नाम लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को उनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जनता को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात कहते हुए आगे कहा कि एक तरफ सीएम केजरीवाल तो गांधी जी की तस्वीर भी नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, वहीं अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो उनकी मजबूरी हो जाती है गांधी जी की तस्वीर लगाना, हालांकि वो कसीदे पढ़ना भी उनके लिए मजबूरी हो जाती है। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है और जैसे कि उन्होंने दोनों को आड़े हाथ लिया, लेकिन सवाल आखिर यही है कि बातों बातों में कि किसके कंधे पर उन्होंने बंदूक चला दी, कहना वो किसी और पर चाहते थे, यानी कि निशाना वो पायलट पर साधना चाहते थे जहां पर उन्होंने आज के दिन यानी कि आजादी के जश्न में जिस तरीके से पायलट पर निशाना साधा, उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वहां की जो सत्ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले ये बयानबाजी कितनी भारी कांग्रेस को पड़ने वाली है ये तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सभी पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में विलुप्त तो होती जा रही है, ऐसे में अगर राजस्थान की बात की जाए तो बड़ी मुश्किल से अपनी नाक बचाए वहां पर सत्ता बचा ली गई है। लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी, क्या ये सरकार ले डूबेगी, क्या सीएम गहलोत और पायलट की ये दुश्मनी किस मोड़ पर, किस एंगल पर जा खड़ी होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। आप किस पर क्या राय है, कि आपको लगता है कि जो बयानबाजी बिना नाम लिए उन्होंने पायलट पर निशाना साधा है, क्या इस तरीके की बयानबाजी उन्हें करनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी उन्हें शोभा देती है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।